खड़गे जी, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सेकेंड पार्ट अमेठी आई थी तो उन्होंने बड़ा भावनात्मक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था इस अमेठी से राजीव गांधी से लेकर राजीव गांधी जी का भावनात्मक रिश्ता रहा है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सबसे बड़ी बात, पहली बार अमेठी में जिन लोगों ने राजीव गांधी जी को वोट नहीं किया था, सोनिया गांधी जी को वोट नहीं किया था, राहुल गांधी जी के पहले चुनाव में उनको वोट नहीं किया था, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट देने तैयार है। हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के। खड़गे जी, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सेकेंड पार्ट अमेठी आई थी तो उन्होंने बड़ा भावनात्मक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था इस अमेठी से राजीव गांधी से लेकर राजीव गांधी जी का भावनात्मक रिश्ता रहा है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम सभी यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको लगातार निर्देश रहे हैं, अमेठी उनका परिवार है, उस परिवार की सेवा, सुरक्षा, रक्षा, उनके लिए लड़ना, उनके साथ खड़े रहना अमेठी के हर कांग्रेसी का दायित्व बनता है। वो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता निरंतर 5 वर्षों से निभा रहा है। राहुल गांधी जी की हर तरह की मदद मिलती रही है, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की तो उस यात्रा के पहले यहाँ के भाषण दिया कि मैं शुभ कार्य करने जा रहा हूँ और अपने परिवार में आया हूँ। आज भी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को निर्देश है नामांकन की तारीख के लिए, नामांकन की तैयारी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, बूथ कमेटी से लेकर सारी उन कमेटियों के लिए जहां से हमें चुनाव खड़े करने हैं, हम तैयार हैं। हमारी कांग्रेस कमेटी की बूथ कमेटियां तैयार हैं, पूर्वा प्रभारी के सारे अध्यक्ष तैयार हैं, संगठन का बच्चा बच्चा तैयार है और सबसे बड़ी बात, पहली बार अमेठी में जिन लोगों ने राजीव गांधी जी को वोट नहीं किया था, सोनिया गांधी जी को वोट नहीं किया था, राहुल गांधी जी के पहले चुनाव में उनको वोट नहीं किया था, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट देने तैयार है। दीपक सिंह, कांग्रेस किसको चाह रही है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को या फिर किसी और को, कि वो अमेठी आए, चुनाव लड़े, किसी का नाम दीपक सिंह कर ले पाए? ये एक मजबूत रिश्ता है अमेठी परिवार का और गांधी परिवार का, यकीनन गांधी परिवार लड़ेगा, ऐसा हम सबका भरोसा है। मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई चेहरा अमेठी सीट से चुनाव लड़ेगा? अभी तक की स्थिति थी कि कांग्रेस पार्टी साउथ में भाजपा को बेचैन की थी, साफ किया है, अभी भाजपा की बेचैनियों को इस बचे हुए फेज में बढ़ा रहे हैं। स्मृति ईरानी जी खोयम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, तारीख बता रही थी, हालांकि तारीख उनकी सही नहीं हुई, लेकिन यकीनन हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। थोड़ा समय दीजिए, अलाउंस होगा और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, रिकॉर्ड बनाएगी, चूंकि हमारी लड़ाई रिकॉर्ड उस राहुल गांधी जी के उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है जो उन्होंने खुद बनाए थे, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने की तैयारी है।